Adol Pia Meher, Kulwant Kaur Dilo, the grandson Yuvraj Singh Dilo, speaking. Oye, चिवन्नी जाना होए ता, चल कुलवंत कौर को फोन दे। आपने अपॉइंटमेंट ली है? अपॉइंटमेंट? हैं? अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, तुम्हारे असिस्टेंट मिंटू राणा से ले लो। कुलवंत कौर जी अपॉइंटमेंट के बाद ही किसी से बात करती हैं। Don't disturb us. ओए मार, मैं तो पूरा टब्बर ही पागल है। नहीं उठा रहे तो रहने दे। हेलो, मैं कब से मिला रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? शुक्र मना मैंने फोन उठा लिया। बोल। देख मेहर, मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है। जब तेरे को मेरी जरूरत थी ना तो कुछ नहीं किया तेरे इस प्राणे तेरे लिए। लेकिन मुझे आज तेरी बहुत जरूरत है मेहर, बहुत जरूरत है। बोल करेगी ना मेरी मदद? नहीं तो मैं बोल रहा हूँ मेहर, मर जाना बिट्टू ने। सच्ची बोल रहा हूँ, मर जाना। हुआ क्या है? जीतो के मम्मी पापा जी घर गए थे हमारे ब्याह की डेट फिक्स करने। मम्मी जी ने उनके साथ ऐसा किया, इतना बुरा किया। जितो दी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। बर्बाद होती है तो हो जाए जिंदगी, फर्क नहीं पड़ता मेरी चुत्ती को। मम्मी जी ने ठीक नहीं किया, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो मर्जी हो जाए महल, शादी तो मेरी जीतो से ही होगी। महल कुछ भी कर, लेकिन मेरा ब्याह जीतो से करा दे। मैं एक ना एक दिन ना हर बंदे के पापों को घड़ा भर जरूर जाता है। चलो पता सी, आज नहीं तो कल ए दिन दोबारा जरूर आना से। बिंदु मेरी गलती आना सुन। जो आपकी पिंकी हमारी बेटी हुई। ओ जी मैं तुसी हुक्म करो जी, तुसी लंदन तो कदों वापस आ रहे? 15-20 दिन बाद? ओहो नहीं जी, क्या है 10 दिन बाद तारा डुबन वाला। तो मैं सोच रही थी पिंकी और बिट्टू का ब्याह उससे पहले कर लूं। अच्छा वंडरफुल जी, वंडरफुल। कुलवंत साहब, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करनी है जी। ओ आ गया मेरा पुत्र। वे राने देसी कुकर ले आ, मैं अपने हाथ से मेरे बिट्टू के लिए बटर चिकन बनाना है। ओए मेरा पुत्र की लब रहा है। मैं देख रहा था कहीं मानव के खून के निशान तो नहीं लगे रह गए। वास कर रहे हैं। सच में डैडी जी, आपकी कसम, मेरे हाथ बंधे हुए थे इसलिए मानव को इंसाफ नहीं दिलवा पाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वक्त के पहिए पीछे घूमने वाले। अगर मेरा ब्याह जीतो से ना हुआ ना, सौ लगे मम्मी जी, पूरी दुनिया को बता देना मैंने कि मानव का कत्ल आपने किया था। मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया है। वो तो जी गलती हो गई थी। गलती तो सबसे होती है और मिट्टी पा। ओए पुत्रा, तूने मुझे पहले बताना था कि तू जीतू से इतना प्यार करता है। ओए लल्लू राम, मैं तो तेरे प्यार का इम्तिहान दे रही थी। बस यकीन आया है? ओए कमलिया, अरे पुत्र जी, अगर आप मुझे बोलते कि आपकी और जीतू की प्यार की पतंग इतनी ऊपर उड़ रही है तो अब तक तो मैं जीतू को अंगन बना देती। तुसी सच्ची कह रहे? लो जी, कर लो बात। अरे झूठ बोलूं तो राना का मरा हुआ मुंह देखो। तू कल ही जीतू को कर लिया। कुलवंत कौर अपने हाथों से उसे आशीर्वाद देता है। जा उधर जा, जाके आराम कर। मम्मी जी गड़बड़ हो गई है। डॉली आंटी का फोन आया था। ओए वो डॉली खुद ही एक गड़बड़ है। नहीं मम्मी जी, डॉली आंटी कह रही थी कि महर ने चोरी की है। चोरी? 25 करोड़ मम्मी जी। डॉली आंटी ने महर को घर से भी निकाल दिया है। और डॉली आंटी कह रही थी कि वो सरब जी का ब्याह कहीं और करा देंगे। खानदान से रिश्ता मेरी नाक। कुलवंत कौर ने गर्दन कटा लेनी है नाक ने। वो जगिया पता लगा महर किथे। रानिया फोन नहीं मेरा। हरलीन, तुम तो क्या, हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने महर जी को एक ब्लैंक चेक दिया था एलिमनी का। 25 करोड़ रुपए निकलवा लिए इन्होंने। 25 रुपए की औकात नहीं ते चोरी 25 करोड़ दी। यू ब्लडी चोर, इस घर में चोरों की कोई जगह नहीं है। मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। Oh God, बट किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं दिल्ली ही गई थी ना, कोई अंटार्कटिका तो नहीं चली गई थी जहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो? प्लीज एक मैसेज, एक कॉल, कुछ नहीं कर सकते थे तुम? और प्रीति, तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था ना। दी सर, अब घर विच इतनी बड़ी गल हो गई और तू मैनू दसना भी जरूरी नहीं समझा। एक कॉल, एक मैसेज ना कर देंदा। इट्स ओके दी। नो इट्स नॉट ओके सरब। हरलीन बेबी रिलैक्स, जो होना था वो तो हो गया। अच्छा हुआ वो चोर हमारे घर से चली गई। रॉबी, महर के लिए ना ऐसे वर्ड्स कभी यूज मत करना। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी? हाँ सरब, तू कैसे? हाँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आई मीन महर। ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। प्लीज मैंने आज तक आप सब पे अपना कोई फैसला नहीं थोपा है। इस बार आई एम वेरी सीरियस एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। मेहर जी अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है और ना ही उनकी फैमिली, इसलिए हम में से कोई भी उनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? नॉट अ वर्ड एट ऑल। इज दैट क्लियर? सरब, हरलीन, डॉली, रुक जाने कोई फोन ही नहीं चुक रहे। सामने सामने जाके बात करनी होगी सरब से। ये होए मम्मी जी, ये सब, ये फैक्ट्री, 60 लाख का सोना, ये सब कुछ आपने बिट्टू के नाम खरीदा है? हाँ तो तेरे प्यो के पैसे हैं। मम्मी जी मैं तो बस आपसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी से ये सवाल करने की? मेरे पैसे हैं, मैं कितने भी खर्च करा। ओए कुलवंत कौर सिर्फ सवाल करती है, सुनती नहीं। आई बात समझ? अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था। पिंकी की शादी हो रही थी बिट्टू से, क्या जवाब देती बुल्लर साहब को कि सारा बिट्टू निकम्मा है, कुछ कामकाज नहीं करता। लेकिन की फायदा, रिश्ता ही नहीं होने वाला होते। मम्मी जी रिश्ता नहीं हो रहा मतलब? अभी हो मम्मी जी। मम्मी जी मेहर से बात हुई जी, वो सरदार बलदेव सिंह अनाथ आश्रम में। ओए तो जाके मेहर को लेके आ। वो ले आता मम्मी जी, पर वो कह रही है इतनी रात को ना अनाथ आश्रम वाले दरवाजा नहीं खोलेंगे, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा जी। मम्मी जी आप जीतो के माँ और पापा से मिलने जा रहे हो? सोचांगी। मैंने बोला था कि वो जीतो को बुला रही तो फिर तेरे पेट में तो बच्चा डाल गया, ब्याह करेगा तेरे नाल? जरूर जरूर करेगा मम्मी जी। ठीक है मिला मुझसे। कैसा लगा? अरे जीतो ने अपने हाथ से बनाया तेरे लिए। वेरी टेस्टी। थैंक यू दीदी। वैसे कर्म तेरे जैसे भी हो, किस्मत तेरी बड़ी चंगी कि तेरे को जीतो जैसी कुड़ी मिल गई। तुम्हारे कर्म। अरे कुछ नहीं, वो भाई बहन का मजाक चलता रहता है। सॉरी मेरा गला खाना। जीतू ये तेरे लिए। नहीं नहीं दीदी, इसकी क्या जरूरत। और रख ले तो शगुन उमदा है। जीतू तुम मिनट उधर जा, मुझे मैं ऐसे कुछ बात करनी है। तू कब तक यहाँ रुकेगी मेहर? अगर तू अपनी बेगुनाह साबित ना कर पाई तो उसकी फिक्र ना कर। कल के बारे में सोच। कल क्या है? बुलाया ना कल मम्मी जी ने घर पे तेरी जीतों को। हाँ तो दिमाग से तो कमजोर है ही, तेरी याददाश्त भी कमजोर है, या आज पता चल रहा है। मतलब? बुलाया था ना मेरे मानव को घर पे। अम्मी जी ने आशीर्वाद लेने क्या क्या तुम तीनों ने क्या दिया उसे? मौत? माफ कर दे मैं। प्यार क्या होता है ये मुझे जीतो को मिलने के बाद समझ आया और इसी प्यार दिसो मैंने जीतो को कुछ नहीं होने देना। मेरी कोई मदद की जरूरत होगी तो बताना। इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए फिर से थैंक यू। ऐसे कैसे जाने दो पुत्र जी, माँ हूं मैं, मेरी इक्को एक कुड़ी है, उसकी जिंदगी का सवाल है। हरलीन जी मैं तुहानू कहनी हाँ, मेहर भुखी मर जाएगी लेकिन मजाल है कि चुन्नी चोरी कर ले और तुसी कहंदे हो कि 5 करोड़ दी चोरी। आंटी जी मैं तो खुद बिलीव नहीं कर पा रही हूँ बट मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है कि मेहर ऐसा कुछ कर सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो कभी चोरी नहीं कर सकती, नेवर जी नेवर। ना जी ना सरपुत्र, मेरी मेहर चोरी नहीं कर सकती। आंटी जी प्लीज और कुछ मत बोलिए। तुसी मेनू आंटी जी किया? आंटी जी अब जब मेहर जी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा तो फिर आपसे तो हाय रब्बा, ये दिन दिखाने से पहले रब ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? सरपुत्र तुसी। आंटी जी दुख इस बात का नहीं है कि मेहर जी ने पैसों की चोरी की है, दुख तो इस बात का है कि वो अब इन सब बातों से इनकार कर रही हैं। बट एनीवेज अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। सरपुत्र हीज मेरी गल मान लो, अगर आपको लगता है कि मेहर ने चोरी की है तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं तो 5 करोड़ देंगी। आंटी जी प्लीज। सरपुत्र ओए पीफोट परम पांडू गया, बता मेरी बुआ किधर है, बता कितने चुपाया मेरी बुआ को। पापा ने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं बताया मैंने मौका है। परम परम क्यों भी मेरी बहन बुआ किधर है? बेटा छोड़ो, बेटा छोड़ दो, छोड़ हाथ छोड़। बता मेरे वो किधर है? यूवी छोड़ उसे। यूवी परम वो बस तुम मेरे को डांटता नहीं है, मैं तेरे को घुसून मार के तेरा बुत्ता बन दूंगा। कम कम पुत्र लेट्स गो। सरपुत्र जी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो जी, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर देना। मेहर से रिश्ता मत तोड़ो जी, तुहानू रब दा वास्ता। हेलो या ओके अलविदा प्लीज आप सब जा सकते हैं। आज बस वो मेहर वाले इंसिडेंट के बाद परम काफी उदास रहने लगा, उसे इसलिए बिलोंग टू परम फैमिलीज। सचमुच मेरा परम आज बहुत खुश लग रहा है। आई जस्ट विश जो कुछ हुआ उसे परम जल्दी से भूल जाए। मैंने कहा था ना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इस कंट्री से बाहर निकलना है। आई बात समझ में?